दे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे कपले दे मामले दे विच जो तीन मैंबरी जांच कमेटी बनाई गई सी उसने पंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं क्लीन चिट दे दित्ती है। सूत्रां दे हवाले तो एक खबर मिल रही है कि तीन मैंबरी जांच कमेटी ने मंत्री साधु सिंह धर्मसोत नूं क्लीन चिट दे दित्ती है। रिपोर्ट मुताबिक 63 करोड़ रुपए का घोटाला होया ही नहीं, सिर्फ 7 करोड़ रुपए की वजीफा राशि की ही गलत वंड हुई है जो रिपोर्ट दे विच जिक्र किया गया। हालांकि इस गलत वंड नूं हेठों प्रपोजल आने की गल कह के भी मंत्री साहब नूं बचाया जा रहा। कपले का खुलासा करने वाले कृपा शंकर सरोज से गलत रिपोर्ट देने का इल्जाम लग गया। दस दिए कि मंत्री नूं बचाउण लई हुण हेठले अफसरां नूं फसाउण की तैयारी हुंदी हुई इसकी जानकारी मिल रही है। सूत्रां मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर पद्धर के अफसरां ते भी कार्रवाई की पूरी तैयारी है। हेठले पद्धर के अफसरां की भूमिका की जांच के हुक्म जड़े ने वह भी दिते गए ने। तो जिस तरह नाल ए घोटाला सामने आया और इस नूं लैके खासा बवाल भी होया, सरकार ते आवाज चुके गए, लेकिन हुण जो जानकारी मिल रही है सूत्रां दे हवाले तो कि जो तीन मैंबरी जांच कमेटी बनाई गई है उसने साधु सिंह धर्मसोत नूं क्लीन चिट दे दित्ती है। पवन कुमार टीनू साडे नाल इस वेले जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल गल करदे आं। टीनू जी, जिस तरह दे नाल ए पूरा मामला घोटाले दा सामने आया, लेकिन हुण जो जानकारी मिल रही है सूत्रां तो कि इस विच पूरी तरह क्लीन चिट दे दित्ती गई है मंत्री साहब नूं। देखो, ये तो सबनों पहले ही पता सी कि जेड़ा जांच दे उत्ते जांच कमेटी बनाई सीएम साहब वालों जी, ये सिर्फ लोगों के अखां च घट्टा पाउण लई ते इस मंत्री नूं करप्ट मंत्री नूं ते अधिकारियों नूं बचाउण लई ये सारी ड्रामेबाजी कीती सी मुख्यमंत्री जी ने जी। ते इसे करके श्रोमणी अकाली दल वालों असी सारिया ने मंग की थी कि इहदी जांच सीबीआई दे हवाले होनी चाहीदी। मुख्यमंत्री जी कोलों इह उम्मीद सी ऑलरेडी सानू, क्योंकि हुण इह गल साबित भी हो गई है इह जिहड़ी क्लीन चिट देण दे नाल जी, वी कल्ले साधु सिंह धर्मसोत नहीं इस करोड़ां रुपए दे घपले विच शामिल, मुख्यमंत्री जी भी शामिल आ। इस करके उन्हां ने अपने पसंद दे अधिकारियों नूं ला के जांच दे उत्ते जांच करा के उन्हूं क्लीन चिट दित्ती है करप्ट मंत्री नूं जी। सो असी इस जिहड़े सूत्रां तों खबर आई है इहनूं रद्द करदे हां, इह करप्शन दे उत्ते करप्शन आ। पर श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा आ इस मुद्दे ते असी जे कोर्ट च जाणा पिया उत्थे वी जावांगे, दुबारा सीबीआई नूं असी बेनती करांगे कि इहदे विच इस करप्ट मिनिस्टर ने जद अस्तीफा ही नहीं दित्ता। हुण देखो, इक जसपाल सिंह आईएएस अफसर आ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾ ਸਕੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੀ, ਐਮਐਲਏ ਫਗਵਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼, गलत वंड हुई है। हालांकि उस दे विच वी दोषी जिहड़ा है मंत्री साहब नूं नहीं पाया गया, यानी कि किसी भी तरह दे नाल ओह किते जिम्मेवार नहीं दसे गए ने, बल्कि हुण हेठले पद्धर दे अफसरां ते गाज गिरन दी जिहड़ी है शंका जताई जा रही है। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਕਰਪਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ 2 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਹ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਕਪਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
कोर्ट विच भी लैके जावांगे, असीं दुबारा सीबीआई कोल अप्रोच करांगे, असीं केंद्र सरकार नूं अपील भी करांगे। असीं पहलां भी अपील कीती सी कि इहदी जांच सीबीआई हवाले होवे जां सिटिंग जज साहब हुण हाई कोर्ट दे ओह जांच करन। कांग्रेस की किसी जांच कमेटी कोलों सानूं कोई उम्मीद नहीं। तो श्रोमणी अकाली दल ये क्योंकि बच्चों के भविख नाल जुड़िया मामला आ, बच्चों के भविख का मर्डर का मामला, कतल का मामला आ, असीं इहनूं कदी भी नहीं छड्डांगे। कभी भी इस भ्रिष्ट मिनिस्टर इस सरकार के जिहड़े लोग शामिल MLA शामिल आ, इन्हां नूं कभी भी बख्शिया नहीं जाऊगा और पंजाब के लोग भी नहीं कभी इन्हां नूं बख्शणगे। हुण बिल्कुल जिस तरह के नाल क्योंकि ये मामला बहुत संवेदनशील रहा और इसनों लैके विरोध भी होया और जिहड़े निशाने क्योंकि मुख्यमंत्री की बहुत वड्डी जिम्मेवारी बनती है, अजिहे विचकार मुख्यमंत्री ने इससे किस तरह का कोई एक्शन तक की लेना सी, हुण तक क्लीन चिट ही मंत्री साहब साधु सिंह धर्मसोत नूं दे दित्ती गई है, अजिहे विचकार हुण एक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता। सगो जिन्हां लोगों ने इस दे बारे उजागर किया सी हुण उन्हां ते ही एक्शन हुंदा, उन्हां ते ही ठीकरा फुटदा होया नजर आ रहा है। बिल्कुल, उन्हां नूं बेचारियां नूं छोटे छोटे अफसरां नूं इहदे विच बना लिया जाऊगा दोषी, जिहड़े असली जिहड़े चोर आ वड्डे वड्डे डाकू आ वो बचा लए गए आ फिलहाल, लेकिन नहीं लोग नहीं छड्डणगे, असीं नहीं छड्डांगे इन्हां नूं। इन्हां नूं जेलां दी हवा खाणी पऊगी। श्रोमणी अकाली दल इस मुद्दे नूं, इस लोक हित मुद्दे नूं, गरीबां दे बच्चियां दे फ्यूचर दे कतल दे मुद्दे नूं कदी भी नहीं छड्डूगा। असीं इन्हां नूं जेलां 'च भेज के सज़ा दे के हटांगे क्योंकि असीं इस मुद्दे नूं चक्के नूं साल डेढ़ साल तों, असीं इहनूं अकाली दल ने विधान सभा 'च वी इहनूं चुक्किआ सी मुद्दे नूं, इहनूं असीं लै के रखांगे, लोकां नूं दस्सांगे कि कांग्रेस ने किन्ने तुहाडे नाल जिहड़े आ ओह कपड़े कीते आ। कहिंदे कुछ सी वोटां बिल्ले 2017 दीआं वोटां 'च तां कहिंदे सी असीं ग्रैजुएशन तक पढ़ाई मुफ्त देंगे, लेकिन अज इन्हां दीआं माड़ियां करतूतां करके लखां बच्चे कॉलेजेस तों दूर हो गए, बच्चों नूं डिग्रियां नहीं मिलदियां ते बच्चों नूं नौकरी तक की मिलनी सी, तो बच्चों का बच्चों नूं मजदूर बनन लई मजबूर होण। बिल्कुल, जो उन्हां दा हक सीगा जिसकी ओ उन्हां नूं मिलना चाहीदा सी हक ओ नहीं मिल पाया। बहुत बहुत शुक्रिया पवन कुमार टीनू जी साडे नाल गल करन दे लई। यकीनन जिस नाल हुण इह खबर जो सूत्रां तों आ रही है कि क्लीन चिट जिहड़ा है साधु सिंह धर्मसोत नूं दे दित्ती गई है, सगों हुण जो अफसर ने उन्हां ते जिहड़ा है कारवाई दी सगों तैयारी चल रही। साडे नाल इस वेले परमजीत कैन जो कि प्रेजिडेंट ने नैशनल शेड्यूल्ड कास्ट अलायंस दे, ओ जुड़ चुके ने, उन्हां दे नाल गल करदे आं। परमजीत जी, जिस तरह दे नाल इह पूरा मामला पहलां सामने आया कि किस तरह पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे विच कपला वड्डे पद्धर ते होया, जो विद्यार्थी नूं उन्हां दा हक जिहड़ा है ओह खोया जा रहा है, लेकिन कारवाई दे नाते हुण इह होया कि मंत्री साहब नूं बिल्कुल क्लीन चिट दे दित्ती गई है। और क्योंकि जे जिस तरीके नाल इस समय दे विच इन्हां नूं क्लीन चिट दित्ती गई, जदों कि 3 लाख तों बच्चे वध ने उन्हां नूं एडमिशन नहीं कीती गई और पिछले 3.5 साल दे विच 5 लाख तों बच्चे वध ऐसे ने जिन्हां दीआं डिग्रियां नहीं दित्तियां गईआं, जिन्हां दे सर्टिफिकेट जबरदस्ती कॉलेजां दी यूनिवर्सिटी दी मैनेजमेंट ने रखे हुए ने, इन्हां ने लखां जिहड़े अनुसूचित जाति पछड़े वर्ग ते धार्मिक घट गिणतियां दे बच्चियां दा जिहड़ा भविख है ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਸਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸਰੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸਰੋਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਸਕੈਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਕੈਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਅਲਾਇੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ 3 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ
डिग्रियां ते सर्टिफिकेट रोके हुए ने उन्हां नूं जारी नहीं किए जाते। इस संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। कैप्टन सरकार का जिहड़ा हुण आउण दा जिहड़ा जाण दा समां आ गया है, क्योंकि कैप्टन सरकार बहुत बुरे तरीके नाल करप्शन चार्जेस दे विच फसी हुई है। अनुसूचित जाति वर्ग इसनूं किसे कीमत ते बर्दाश्त नहीं करेगा, जिस तरीके नाल विद्यार्थियों का जिहड़ा भविष्य है वह बर्बाद किया जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत जी सानू गल करने लई। सो परमजीत कैन जो कि प्रेजिडेंट ने नैशनल शड्यूल कास्ट अलायंस है, जिन्हों का साफ तौर पर कहना है कि हुण इसनूं लैके जो ये कुछ सरकार ने किया, जिस तरह क्लीन चिट मिली है और जो कपला जड़ा जिस पद्धर से होया विद्यार्थी तरह धक्का होया, अजे विचकार अपना हुण ये संघर्ष करन दी उन्होंने चेतावनी दे दी। एजुटेशन जिहड़े होणगे जथेबंदियां तमाम एक जड़ा इकट्ठा होकर एक मंच पर सरकार के खिलाफ लामबंद होणगे।